सनसनी ऑफ इंडिया। बदरपुर विधानसभा से भाजपा विधायक व उसके बेटे की शह पर ओजोन के नाम पर मकान, दुकान व फ्लैट तुड़वाने का डर दिखाकर रंगदारी मांगना, डराना, धमकाना व रंगदारी न देने पर शिकायत करके मकान तुड़वा देने वाला राजनीति का चोला ओढ़े चंगू मंगू नाम से मशहूर गुंडों का एक गैंग इलाके में सक्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मकानों की शिकायत करके रंगदारी मांगने वाले गुंडों के इस गैंग में कोई आम आदमी नहीं बल्कि बदरपुर विधानसभा से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूरी के दो खास गुर्गे अरुण राय व सीएल यादव हैं, जिनको लोग इलाके में चंगू मंगू के नाम से जानते हैं। विधायक रामवीर सिंह बिधूरी व उसके बेटे की शह पर बदरपुर इलाके में बन रहे मकानों की शिकायत कर करके सड़क छाप से करोड़पति बने इस गैंग में शामिल सभी गुंडे पैसों के इतने भूखे हैं कि इलाके में कुत्ते की तरह मुंह मारते फिर रहे हैं। बदरपुर से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूरी के खासम खास इस गैंग में शामिल अरुण राय नामक गुंडे पर एक नहीं दो नहीं पूरे 7 आपराधिक मामले दर्ज है। यह ऑन रिकॉर्ड इलाके का घोषित बदमाश भी है। इस गुंडे के खिलाफ नाबालिग से रेप करने तक की एफआईआर दर्ज है। गुंडों के इस गैंग को बदरपुर से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूरी व उनके बेटे सुरेंद्र बिधूरी का पूरा सहयोग है। इनकी शह पर चंगू मंगू नाम के दोनों गुर्गे इलाके में कुत्ते की तरह गली गली हारते रहते हैं। जैसे ही इलाके में कोई नया मकान, दुकान या फ्लैट बनाता दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही रंगदारी मांगने पहुंच जाते हैं। रंगदारी नहीं मिलने पर शिकायत करके मकान को तुड़वा देते हैं। लोगों में चंगू मंगू गैंग की इतनी दहशत है कि कोई भी खुलकर इनके खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन आज इनकी ही पार्टी से निगम पार्षद व डिप्टी चेयरमैन रहे महेश अवाना ने इनकी लिखित में शिकायत करके इस गैंग के खिलाफ आवाज उठाई है। लोगों के बनने वाले मकानों, दुकानों व फ्लैट की शिकायत करके रंगदारी न मिलने पर मकान तुड़वा देने वाले चंगू मंगू गैंग से बदरपुर भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूरी को ऐसा क्या लालच है कि शिकायत मिलने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। आज मैं जिन शख्स के साथ बैठा हूँ वो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इलाके में बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी इनको नाम से, इनके काम से इनको पहचानते हैं। हमारे साथ महेश अवाना जी हैं, ये पूर्व निगम पार्षद रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, और ये जो निगम पार्षद रहे थे अपने टाइम में 50% वोटों से जीते थे। इनकी वाइफ थी, वो भी 50% वोटों से जीती थी। इन्होंने बीजेपी को एक पहचान दी इस इलाके के अंदर। तो मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच भी कोई व्यक्ति रह करके और गलत काम करेगा, क्षेत्र के लोगों को तंग करेगा, उनको परेशान करेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, और चाहे वो गुंडा हो चाहे बदमाश हो, मैं उसके सामने दबने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बात को खुलकर कहूँगा। तो मेरे क्षेत्र में एक अरुण राय नाम का एक व्यक्ति है जो मेरे बगल में ही श्री कॉलोनी में रहता है, शिवपुरी में रहता है, और वो आजमगढ़ का रहने वाला है। कुछ समय पहले से मैं देख रहा था, वो लोगों की शिकायतें कर रहा था और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है शिकायत करके। जो व्यक्ति उनको पैसे दे देता, मकान दुकान बिजनेस लोग कर रहे हैं क्षेत्र में छोटा मोटा, यहाँ कोई बहुत धनाढ्य लोग तो है नहीं, तो जिस तरह से वो उन लोगों को टॉर्चर कर रहा था, कभी किसी को लोग मुझे आकर के बताते थे। मैं जब तक चुप रहा, मैं कम से कम इसके बारे में जानकारी हो, कुछ हो, कैसे हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बताए। तो जब चारों तरफ से इस तरह की बातें आने लगी तो मैंने एक दिन ये कहा कि मैं कहा भाई तुम इस तरह की शिकायतें क्यों करते हो, ये गलत काम क्यों करते हो, अच्छा नहीं लगता। विधायक हमारे हैं रामवीर सिंह बिधूरी, MP हमारे हैं रमेश बिधूरी, हम BJP के हैं। अगर लोग आज हमारे पास शिकायत लेके आएंगे मकान की, दुकान की, बिजनेस की, किसी भी चीज़ की, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो मैंने आपस में इस तरह से, जैसे एक साथ रहते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, बिधूरी जी के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन मुझे जब उन्होंने किसी और को मेरे बारे में अपशब्द बोले, गलत तरीके से भाषा बोली, और यहां तक कि कहा कि मैं इतने हजार किलोमीटर से चल के आया हूं तो यहां मैं पैसे कमाने आया हूं, ये अरुण राय के शब्द हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा इसकी। अरुण राय की रिकॉर्डिंग आपके पास है? मेरे पास है। जब उसने मेरे बारे में भी अपशब्द बोले, मुझे पता नहीं क्या क्या कहा, दिन आदरणीय बिधूरी जी से भी कहा,
मैं कह जी ये लोगों की शिकायतें विकायतें करते हैं, इनको थोड़ा सा डांट फटकार के कुछ ठीक करो, इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती हैं। मैंने कहा जो सच है। कुल मिला के टोटल बात ये हुई कि बात को आया गया करके उसको बात को हमने ख़त्म कर दिया। मेरा काम है जो व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास करेगा, जो ये व्यक्ति इस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, मैं उस व्यक्ति के साथ रहूँगा। जैसे आपने अरुण राय की शिकायत की, अपना रामवीर बिजुड़ी जो अपने यहाँ से विधायक हैं, तो उसके बाद उनका उन्होंने क्या एक्शन लिया उस फिर? उसके बाद में कुछ दिन कुछ शांति रही, इस तरह की बातें नहीं आई। फिर एक दिन मेरे को एक स्कूल रोड पे किसी का प्लॉट था, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारी शिकायत कर दी है। तो आपके मतलब अरुण राय को समझाने के बाद भी उसने दोबारा शिकायत कर दी? दोबारा शिकायत कर दी है किसी के यहाँ, वो पैसे लेने पहुँच गया। मैं अगर उस आदमी का आज नाम खोलूंगा तो ये उसके साथ भी फिर गलत हो। मेरे यहाँ पे एक लड़का काम करता है, एमसीडी में ही है वो, मेरे पास सुनील शर्मा मिश्रा जो है वो पहले मेरे पास रहता था, मैंने उसको डीबीसी में लगवा दिया था। फिर उसकी शिकायत करी, उसकी शिकायत करने के बाद भाई इसकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर किसी से पैसा इसने लिया है तो मुझे बताओ, मेरे वार्ड में काम कर रहा है, अगर पैसा लिया तो मुझे बताओ। एक रुपया उसके पास कोई किसी का वो लेता नहीं, कोई किसी के दाग नहीं। उसकी भी शिकायत कर दी कि ये पैसे मांगता है, ये करता वो करता है, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से पैसा चाहिए। जब तक हमारा पार्षद का टाइम था तब तक नहीं उसकी शिकायत करी, लेकिन जैसे ही मेरे पार्षद का जो टर्न था वो खत्म हुआ मिसिज का, तो उसने उसकी भी शिकायत डाल दी। उसके लिए मैंने सुरेंद्र भाई से कहा मैं कभी इसने सुनील मिर्जा की शिकायत करी है, आप इसको रोकते क्यों नहीं? उधर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ये विधायक की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला? कोई जवाब मुझे नहीं मिला, ना सुरेंद्र जी ने कोई जवाब दिया ठोस के भी नहीं करेगा या करेगा या क्या करेगा या नहीं करने देंगे, गलत काम करने नहीं देंगे। उसके बाद मैंने बिधूड़ जी को फ़ोन मिलाया, बिधूड़ जी ने मेरे फ़ोन अटेंड नहीं किया। जो सच्चाई है वो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई ना मैं बिधूड़ी जी का कोई वो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ उसके घर से, उनके घर से, ना मेरे घर से वो खा रहे हैं। लेकिन जो गलत काम होगा, एक तरफ वो ये कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मैं किसी को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, तो मुझे ये बताइए एक आदमी अरुण राय जो थाने से बीसी है, जिसके ऊपर लगभग 7 केस हैं 7 केस, ये किस थाने से बीसी है? ये बीसी पहले हमारा बदरपुर थाना होता था, उसके बाद हमारा थाना जो है वहाँ जैतपुर के नाम से बन गया, और यहाँ तक की बात है उसमें बलात्कार के भी केस हैं, पुलिस से झगड़ा करने के भी केस हैं उस आदमी के ऊपर, अरुण राय जो है उसके ऊपर ये केस हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप थाने से पता कर लीजिए इनको, आपको इससे लालच क्या जो आप इसको साथ लेकर घूम रहे हो? क्यों घूम रहे हो उसको साथ? आज गरीब आदमी आपके सामने नहीं बोलता, जब कोई गरीब आदमी शिकायत करने की कोशिश करोगे पता तेरा मकान गिर जाएगा, दुकान गिर जाएगी, शिकायत हो जाएगी, इसलिए आदमी चुप हो जाता है। वो समय पर बात करता है जब चुनाव आता है। पहले उसने सुनील मिश्रा की शिकायत करी, मेरे बारे में अपशब्द बोले, उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी, 7 चिट्ठियां मैंने लिखी 8, वहां से चिट्ठी जैतपुर थाने में मुझे बुलाया एडिशनल एसएचओ साहब ने बुलाया, पूछा ये चिट्ठी आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखी है, परेशानी है और इस तरह की भाषा इसने, मैंने उसको जो उसने मेरे लिए भाषा इस्तेमाल की और ये कहा कि मैं पैसा कमाने आया हूँ यहाँ 1000 किलोमीटर से, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसकी, मैंने पेन ड्राइव सबको भेजी, सारी चिट्ठियों के साथ पेन ड्राइव भेज रखी है मैंने। उसके बाद पार्टी की तरफ से अभी तक ना रामवीर बिधूड़ी जी ने मुझे कभी कुछ कहा, ना प्रदेश से मुझे कोई बात हुई, ना कहीं ऊपर से आई। चिट्ठी जरूर आई है, वो पार्टी से आई है, किससे आई है, थाने में चिट्ठी आ चुकी है। उस चिट्ठी के लिए मुझे एसएचओ ने बुलाया, एडिशनल साहब ने, उसने कहा भट्ट जी ने कि भाई ये ऐसे ऐसे चिट्ठी आई है, इसमें जो ये भाषा बोल रहा है इसमें केस वेस तो कोई बनेगा नहीं, कोई अगर आपके पास गवाह हैं तो लेके आओ। मैं कहा जी एक आदमी बीसी है, गुंडा है, जिसके ऊपर 7-7 केस लग रहे हैं, जिसने पुलिस के ऊपर भी हाथापाई कर दी है, जिसमें बलात्कार के केस भी हैं, उसके सामने गवाह कौन पैदा होगा? मैं तो आ गया, मैंने तो चिट्ठी लिख दी, मैंने निडर होकर चिट्ठी लिख दी, लेकिन उस चिट्ठी के बाद भी बात नहीं थम रही है। अभी भी जो मैंने उसमें साथ में फोटो लगा के भेजे हैं, जो MLA के स्टीकर उसकी गाड़ी पे अरुण राय की पे लगे हुए हैं। ये अरुण राय जो पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, पर्सनल जो गाड़ी इस्तेमाल करता है, एक उसके पास स्कॉर्पियो है जो आगे लेके चलता है MLA साहब के, उस पे स्टीकर लगा हुआ है MLA का, मुझे नहीं पता वो गाड़ी किसके नाम है लेकिन उसी के पास रहती है हर वक्त। एक उसके पास बुलेट है, एक उसके पास और गाड़ी है मारुति की कोई, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, मैंने फोटो डाले, मैं आपको चिट्ठियां दिखा दूंगा।
मैंने क्या गलत किया? मैं अगर गलत कर रहा हूं तो मुझे सजा दो ना। क्या मैं अपना बिजनेस करना छोड़ दूं एरिया से? क्या मैं इस एरिया को छोड़ के भाग जाऊं? कहीं विधायक जी की अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको इनसे लालच क्या है जो इनको आप साथ रखते हो? आपको क्या गुंडे चाहिए या अच्छे इंसान आपको साथ में चाहिए? ये दो लोग जो चंगू मंगू के नाम से यहां मशहूर हैं, जो चंगू मंगू के नाम से मशहूर है, वो बोलता नहीं है। दूसरा जिसको मंगू कहते हैं, चंगू मंगू कौन सा चंगू है, कौन सा मंगू है, मुझे नहीं पता, लेकिन इलाके में आप ये पूछोगे भाई चंगू मंगू कौन है, तो आपको पब्लिक जवाब दे देगी ये है जी। कि 5 साल तक अपना अवाना साहब ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं क्लियर कर दूं आपको, 2017 में जिस दिन मेरी मिसिज का नॉमिनेशन था 3 तारीख को, लोगों से पूछो ऑन रिकॉर्ड, क्या मैं 2 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं था? चुनाव यहाँ चल रहा था, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से मैं निकल के आया, धीरे धीरे मैंने अपना इलाज शुरू हुआ, दवाई खाता रहा, चुनाव मेरी मिसिज जीत गई। मेरी मिसिज को 6 महीने बाद कैंसर हो गया, 4th स्टेज का। मैं क्या बोलूँ 2018 में मेरी मिसिज का ऑपरेशन हो गया कैंसर का, 4th स्टेज। जिसके घर में कैंसर की बीमारी हो जाए, बीवी की कैंसर हो जाए 4th स्टेज का, आदमी को खुद को लीवर खराब हो जाए, क्या करोगे जी आप? क्या आप किसी के खिलाफ बोलोगे या किसी की मदद के लिए भागोगे दौड़ोगे या अपना इलाज कराओगे पहले? उसके बाद मेरी मिसिज का कैंसर हुआ, उसके इलाज में मैं लग गया। 2018 में उसका ऑपरेशन हुआ, 2017 में सितंबर में उसको कैंसर हो गया, 4 महीने के बाद ही। उसके बाद में 1 साल बाद मुझे लीवर की और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर मैं अपनी दवाइयों में लग गया, पेट में पानी भर गया, कभी डॉक्टर के कभी यहाँ कभी। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो अब वो इस तरीके हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताऊंगा, मैंने विधूड़ी जी को जब मैं बीमार पड़ के उठा और मैं निकलना शुरू किया 8 महीने के बेड के बाद, 1 महीने 10 दिन मैंने बताया हॉस्पिटल में रहा, 8 महीने में बेड पर रहा, जब मैं 8 महीने के बाद निकला, उनसे मिला, उनसे बात हुई, उनके घर पर गया, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के एक ही बात कही कि ना तो मेरी मिसिज के बस की है जी चुनाव लड़ना, और ना ही अब मेरे बस की है चुनाव। जब हमने ये कह दिया पहले ही, 1.5 साल पहले ये कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव वाला लालच तो खत्म ही हो गया, चुनाव की तो बात ही नहीं रही। तो जो लोग कहते हैं कि 5 साल क्यों चुप रहे, उसका मैंने जवाब दे दिया, मैं अपनी बीमारी से लड़ूं या मैं उनके बारे में बोलूं। आज आप खुलकर आपने ये आवाज़ उठाई है और आपने विधायक साहब को भी बता दिया है, सुरेंद्र को बता दिया है, पार्टी काला कमान को बता दिया है, लेकिन अभी तक इन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे ये बताइए ना, मैं सबूत किसको गवाह बनाऊं? कोई व्यक्ति इस मेरे वार्ड में बदरपुर विधानसभा में इतना डरा हुआ है कि वो इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है कि ये हमारे शिकायत करते हैं या हमारे मकानों पे इस तरह से पैसे मांगने आते हैं? इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? डरते हैं, डर की वजह से है सारा खेल। नहीं तो आप एक काम करो, सच्चाई में अंदर अंदर बिना किसी उसके, बिना रिकॉर्डिंग के, बिना किसी के, लोगों से जाके पूछ लो। कोई भी आदमी रिकॉर्डिंग नहीं देगा, कोई आदमी नहीं बोलेगा कि इस तरह की बात है। उनको पता है कि भाई इसके ऊपर तो इनके ताकतवर व्यक्ति बैठे हैं ऊपर से। जो आदमी खुलेआम MLA का स्टिकर लगा के क्षेत्र में सायरन बजा के घूम रहा है, उसके खिलाफ किसी की हिम्मत बोल जाएगा? राम सिंह नेताजी की भी बात हो, राम सिंह नेताजी का आशीर्वाद हो क्षेत्र के किसी बदमाश के ऊपर, गुंडे के ऊपर, तो वो आदमी किसी से दबेगा क्या? मैं सच बोलता हूँ, अगर मैंने सच बोला है, मैंने गुनाह किया, तो ये गुनाह तो मैं बार बार करूँगा, सच तो बोलूँगा। चाहे मुझे कोई पार्टी टिकट की बात तो दूर हो गई, क्योंकि मैंने 1 साल पहले मना कर दिया, ना मेरी सेहत अलाउ करती है चुनाव लड़ने के लिए, ना मेरी मिसिज की सेहत अलाउ करती है। और रही बात चुनाव की, तो केवल चुनाव कोई पार्टी के बेस पे आदमी नहीं लड़ता है, अपना दम भी होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आप टिकट नहीं तो जिसका मन होगा लड़ने को इंडिपेंडेंट में लड़ लेगा। जब रामवीर सिंह विधूड़ी जी बीमार थे अपने घर में, वो बातें मैं नहीं बोलूँगा, मेरे उनके बीच की बातें, वो भगवान जानता है, ये कन्हैया जी जानते हैं, ईश्वर जानता है मैंने उनके लिए क्या किया होगा। मेरी आत्मा जानती है या उनकी आत्मा जानती है या उनके बच्चे और उनकी बीवी जानती है कि मैंने उनके लिए क्या किया होगा? ना मैं विधूड़ जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं पार्टी में हूँ और पार्टी में रहूँगा। कोई MLA मुझे साथ रखे ना रखे, मैं पार्टी में रहूँगा, पार्टी के साथ हूँ। लेकिन जो गलत लोग हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के अंदर हों चाहे पार्टी से बाहर है, गलत लोगों के तो खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। अभी आपने देखा, बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि पार्टी के साथ है, पार्टी में रहेंगे, और वो केवल इनकी जो लड़ाई है उन दो लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो आम पब्लिक को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं,
इनकी लड़ाई बिल्कुल जायज है, क्योंकि उन्होंने अति मचा दिया इलाके के अंदर। हम भी इलाके में घूमते हैं, 50-50 गज के लोगों के प्लॉट हैं, 60-60 गज के प्लॉट हैं, कंप्लेंट लगा देते हैं, जो पैसे देता है उसका मकान बनाते हैं और जो नहीं देता है उसका तोड़वा देते हैं। मेहनत मजदूरी करने लोग हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को ड्यूटी से घर आते हैं, बच्चे पाल रहे हैं। आप इलाके में देखिए बिल्डर माफिया बड़े बड़े मकान धड़े से उनके बन रहे हैं, छोटे छोटे लोग जो उनका मकान नहीं बन रहे। आज अवाना जी ने जो आवाज़ उठाई है वो उनकी आवाज़ है, उनकी दिल की आवाज़ है। आज हम अवाना जी को अप्रिशिएट करते हैं, हम तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने उन दो शख्सों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है बिल्कुल सही आवाज़ उठाई है, क्योंकि आम पब्लिक बहुत उनसे परेशान और तंग हो चुकी है। अरुण राय एक का नाम और दूसरा उनके साथ रहता है सीएल यादव। आज पार्टी के वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को इनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर इलाके में रहेंगे तो पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे, क्योंकि आम खुशबू से उनके लिए वोट मांगेंगे। अगर इस तरह के लोगों को आगे ये लोग गलत कर रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं पार्टी का, ऐसे दो लोगों को लेकर के पार्टी, दो लोगों की वजह से पार्टी थोड़ी चल रही है, यहाँ पे आम पब्लिक बहुत है। इन दो लोगों को बिल्कुल भी पार्टी से एमएलए के साथ कहीं भी नहीं रहना चाहिए। महेश अवाना जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आम पब्लिक भले अभी ना बोले विधायक जी के सामने, भले किसी के सामने ना बोले, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा वो उनके दिल में वो अरुण यादव सीएल यादव की दोनों कालू करते तो याद रहेंगे उनको कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या करा, और वो एंटी वोटिंग हो जाएगी और वो पार्टी के खिलाफ जा सकती है और पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है अगर ये दोनों लोग यहाँ इलाके में रहेंगे, पार्टी के अंदर रहेंगे। पार्टी को जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाना होगा इन दोनों लोगों के खिलाफ, और अगर पार्टी को, अगर महेश अवाना जी की बात पर भरोसा नहीं है, पत्रकारों की बात पर भरोसा नहीं है, खुद ही सर्वे करा लें, खुद ही चुपचाप से अपने अपने आदमी को इलाके में भेज दें, जिस जिसके मकान बने हैं और जिसके मकान टूटे हैं उनसे चुपचाप जाके आप आम आदमी के रूप में जाके भाई मैं वो मकान बनाना चाहता हूँ, या विधायक या पार्टी के वरिष्ठ लोग किसी के एक 50 गज के प्लॉट को अपने आदमी को खड़ा करके बनाना शुरू कर दें, देखिए उस पर अरुण यादव सीएल यादव तुरंत पहुँच जाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, जी जी, किसी व्यक्ति ने इस मकान के बारे में कोई बात की, किसी के मकान का उद्घाटन था, जब वो लोग भी वहां थे और वो व्यक्ति भी वहां था, वो तो वो आपस में दोनों बात कर रहे थे, ये मकान कब बन गया यार, ये मकान कब बन गया, तो उस आदमी ने कहा ये तुम्हारी नजरों से कैसे बच गया भाई। तो उसके ऊपर भी बात आई, लेकिन वो आदमी बेचारा चुप हो गया, उसने आगे कुछ नहीं बोला, वो शांत हो गया, क्यों, कि वो नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, ये सच है। एक मकान किसी गली में था, उस मकान का उद्घाटन था, उस मकान के उद्घाटन पे उन लोगों को भी बुलाया गया था। अच्छा, वो चंगू मंगू दोनों घूमते दावत खाने भी जाते हैं, लेकिन उस मकान का उनको पता नहीं चला, पता नहीं कैसे। अच्छा, जिसने टोका था वो पार्टी का कार्यकर्ता था। देखिए, पार्टी का एक कार्यकर्ता दबी आवाज में पार्टी का वो उस मकान में जब वो वहाँ गए, पार्टी मकान का उद्घाटन हुआ, तो पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता पहले ही एक आवाज़ को उनसे बोल चुका है कि ये मकान तुम्हारे नज़रों से कैसे बच गया। इसका मतलब इन दोनों की कालू करतूतें किसी से छुपी हुई नहीं है, ये तो महेश अवाना जी हैं जो आज आम पब्लिक की आवाज़ बनकर आज मीडिया के सामने आए हैं। मैं एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे शराब से नफरत है, शराबी से नहीं है, मुझे अच्छे नेताओं से, अच्छे लोगों से कोई परहेज नहीं है, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी वही है, और मेरी पार्टी में अगर कोई गलत व्यक्ति होगा, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे मेरे घर परिवार का हो, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। तो अवाना जी, मेरा एक लास्ट सवाल है, अगर जैसे आपने ये इनकी जो काली करतूतें को उजागर किया है, अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है, विधायक साहब कार्रवाई करते हैं, तो आप विधायक साहब के साथ जैसे अभी बने हुए वैसे बने रहेंगे? मैं उनको जाके माला डालूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा और पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा, बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, अभी अवाना साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पहले भी इन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन अब और ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि ये पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं है, केवल इनकी एक ही बात है कि भाई जो लोग आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, आम पब्लिक का घर तोड़वा रहे हैं, आम पब्लिक को ब्लैकमेल करके उनको नोच नोच के उनकी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसको लूट रहे हैं, उन दोनों पर कार्रवाई हो, ताकि पार्टी का अपना वजूद बना रहे और जब ये चुनाव के समय अपना जब वोट मांगने जाएं तो ये आम पब्लिक से नजरें मिला सकें। मैं ये पूछना चाहता हूं एक सवाल आपसे, अरुण राय के पास कौन सी कमाई है, कौन सी मिल चल रही है, कौन सी उसकी मिल चल रही है, कौन सा उसका बिजनेस चल रहा है अरुण राय का, उसका मकान दुकान जाके देखो, उसके गांव में जाके देखो, उसने वो धन कहां से कमाया, उसके कौन से बताओ मुझे बिजनेस चल रहे हैं कि जो तीन गाड़ियों में घूम रहा है, टिप टॉप रह रहा है,
लोगों के सामने हवा में रह रहा दारू पीता है, सिगरेट पीता, मुझे उससे परहेज नहीं, कोई खाए मरे कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर लोगों के साथ गलत करेगा, बताओ उसने क्या बोला अभी आपको, मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनवाऊं तो उसने ये बोला कि मेरा क्या करेगा, मैं झगड़ा करेगा, मैं उसका भी उसके खिलाफ भी कंप्लेंट होगी और मेरे खिलाफ भी होगी, उसको भी लेके बंद हो जाऊंगा, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास में? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो ये भी चीज़ आप मीडिया के साथ शेयर कर, और जहाँ तक मीडिया की बात आएगी तो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो रिकॉर्डिंग जो अपशब्द इसने बोले और ये कहा उसमें रिकॉर्डिंग के अंदर कि मैं 1000 किलोमीटर से यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, ये शब्द उसके अंदर है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, सब समझते हैं भाषा को। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।